वेलकम बैक साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड बहुत सारे रिकमेंडेशन आ रहे थे लोगों की तरफ से, सब्सक्राइबर्स की तरफ से, और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कवर किया जाए, बनाया जाए इस पर वीडियो। बट आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को अच्छे तरीके से कवर करने के लिए एक वीडियो में कंप्लीट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, और इसी वजह से ये जो वीडियो है वो थोड़ा डिले भी हुआ। तो हम इसको क्या है कि कोशिश कर रहे हैं कि दो पार्ट में ही हम इसको ख़त्म करें, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हम इसका तीसरा पार्ट भी बनाएंगे। तो आज का जो हमारा ड्राइंग का ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो वीडियो है वो हमारा सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमारा जो हमारा GDNT के जो सिंबल्स होते हैं उसके बारे में है, जो हमने बहुत अच्छी तरीके से डिराइव और बताया है उसमें कि GDNT क्या होता है, GDNT का यूज़ कहाँ है, क्योंकि उसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक आप उसको नहीं जानेंगे आपको इंजीन ड्राइंग को आप अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप जा करके प्लेलिस्ट में आप हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। सबसे पहली बात आ जाती है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और अदर ड्राइंग में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। आप समझ सकते हैं कि ड्राइंग जो होती है, एक फिगर, हम किसी भी फिगर ड्रॉ कर देते हैं वो भी एक ड्राइंग है। बट इंजीनियरिंग ड्राइंग उनसे क्या डिफरेंस है? इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है, एक इंजीनियर किसी भी कंपोनेंट को जब बनाता है तो उसको बहुत सारे डायमेंशंस को कंट्रोल करने के लिए, कैसे वो बनाएगा, कैसे उसके लिए उसको कंट्रोल करेगा, वो सारी चीज़ें इंजीनियरिंग ड्राइंग में दी होती है। मान लीजिए कोई कंपोनेंट है तो उसकी हाइट कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई क्या होगी, कितना हम डेप्थ रखेंगे, इन सब चीज़ों का अच्छी तरीके से जो ड्राइंग होती है उसमें मेंशन होता है। यही जो होती है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, जिसको इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं, उसी के द्वारा हम अपने जो कंपोनेंट है या फिर जो प्रोसेस है उसी ड्राइंग के अकॉर्डिंग देख करके ही हम उसको कंट्रोल करते हैं, जिसमें हमें बहुत सारे टॉलरेंस भी दी होती है और जो फीचर्स होते हैं वो भी दिए होते हैं। तो देर न करते हुए हम चलते हैं अपने बोर्ड पे, जहाँ पे मैंने एक इंजीन ड्राइंग की जो सीट होती है, आप इंजीन ड्राइंग की सीट ही मान लीजिए इसको, जो हमने बना रखी है। तो आप इसको एक इंजीनियरिंग ड्राइंग की ड्राइंग मान लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टाइटल ब्लॉक। तो टाइटल ब्लॉक में क्या क्या होते हैं वो चीज़ हम सबसे पहले देखते हैं। टाइटल ब्लॉक में हमारा जो पहला आ जाता है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, नेम ऑफ कंपनी, यानी कि जो कंपनी है जो उस कंपोनेंट को बना रही है उसका नाम होगा। जैसे यहाँ पे मैंने शो कर रखा है कि करियर इंडिया इंडस्ट्रियल, तो मान लीजिए कोई मेरी कंपनी है वो करियर इंडिया इंडस्ट्रियल के नाम से है, वो चीज़ हो गया। फिर ड्राइंग का जो डिज़ाइन करने वाला पर्सन है, यानी किसी ने ड्राइंग को डिज़ाइन किया होगा, वो उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, कि यानी डिज़ाइन बाई, जिसने डिज़ाइन किया है। जैसे मान लीजिए दीपक कुमार शाह जी हैं, तो दीपक का नाम आ जाएगा, उन्होंने डिज़ाइन कब किया था वो डेट आ जाएगी। उसी तरीके से ये चेक बाई, यानी किसके द्वारा चेक किया गया, उनके जो बॉस होंगे उन्होंने चेक किया होगा, तो उनके नाम और डेट आ जाएगा। उसी तरीके से स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है, और उसके लिए हम स्टाम्प का यूज़ करते हैं, यानी कि जो मुहर लगती है वो स्टैंडर्ड। जब तक किसी भी ड्राइंग में मुहर नहीं होती है और उसमें साइन अप नहीं होते हैं डिपार्टमेंट के, वो एक स्टैंडर्ड ड्राइंग नहीं मानी जाती है। तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड अप्रूव्ड ड्राइंग हमारे पास होना ज़रूरी है। उसी तरीके से अप्रूव्ड बाई, यानी किसके द्वारा वो अप्रूव्ड किया गया। जैसे मान लीजिए हम अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो ड्राइंग मिलती है वो इंजीनियरिंग के थ्रू मिलती है, इंजीनियरिंग अप्रूव्ड है या फिर प्रोसेस अप्रूव्ड है, उनके साइन अप और मुहर होते हैं, उनके नाम और डेट वगैरह कब अप्रूव किया है, कौन अप्रूव किया है उनके होते हैं।
अब नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है वो है कंपोनेंट नेम। जो भी कंपोनेंट हम बना रहे होते हैं उस कंपोनेंट का क्या नाम है वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। अब यह आप लोग देख रहे होंगे कस्टमर नेम। कस्टमर नेम का मतलब ये है कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, जो हमारा कस्टमर है जिसके लिए हम कंपोनेंट को बना रहे हैं, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब इधर आप देख पा रहे होंगे तो प्रोजेक्शन टाइप, जो प्रोजेक्शन का जो टाइप होता है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट एंगल जो हम अगर बनाते हैं, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ, ये इस एंगल में हम प्रोजेक्शन बनाते हैं। लेकिन मोस्टली जनरली जो यूज़ किया जाता है इंजीनियरिंग में वो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का यूज़ किया जाता है। इंडिया में आप लोग के नॉलेज के लिए मैं बता दूं, इंडिया में जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो फर्स्ट एंगल का यूज़ किया जाता है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज में जो यूज़ किया जाता है वो थर्ड एंगल का मोस्टली यूज़ किया जाता है। अपने प्रीवियस वीडियो में जो GDNT से रिलेटेड है, सिंबल से रिलेटेड है, उसमें मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आप प्रोजेक्शन से रिलेटेड भी मैंने उसमें बताया गया है फर्स्ट एंगल क्या है, सेकंड एंगल क्या है, या फिर थर्ड एंगल क्या है, उसका प्रोजेक्शन कैसे हम बनाते हैं उसके बारे में हमने कवर किया है, तो आप वहाँ भी जा करके देख सकते हैं। अब अगला जो है पॉइंट वो स्केल। आप देखे होंगे उसमें स्केल दिया होता है नीचे कि स्केल का साइज क्या है, यानी 1:1 है या 1:2 है, तो स्केल साइज भी ऑलरेडी दिया होता है। स्केल साइज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर 1:1 है तो उसका मतलब ये होता है कि जो हमने साइज ड्रा किया हुआ है, जो हमने सीट पे जो ड्रा किया है, मान लीजिए 10 mm की है ये, तो 10 mm का हम स्केल लेकर के कोई स्केल लिया और 10 mm का यहाँ लाइन खींच लिया और 10 mm मैंने यहाँ लाइन खींच करके ये दिखा दिया कि 10 mm का लाइन है। बट कभी कभार होती है जो हमारे पास ड्राइंग सीट होती है वो छोटी होती है और हमें कम बहुत ज़्यादा हमें डायमेंशन शो करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं अपने जो स्केल है उसको रिड्यूस कर देते हैं। मान लीजिए 1:2 का हमने अगर लिख दिया या, तो इसका मतलब ये होगा हमें हम हाफ में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप समझ पा रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है ड्राइंग नंबर। तो ड्राइंग नंबर क्या होता है कि जो भी ड्राइंग नंबर होगी, हर ड्राइंग की एक एक नंबर होती है, तो वो चीज़ ड्राइंग नंबर पड़ती है। नेक्स्ट होता है रिवीजन नंबर। रिवीजन नंबर से मतलब ये होता है कि कंपनी में जो ड्राइंग इंजन ड्राइंग होती है वो टाइम टू टाइम बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं, बहुत सारे चेंज आते हैं, जिसे हम ECN के नाम से भी जानते हैं, यानी इंजीनियरिंग चेंज नोट। जनरली ये टर्म्स आप लोगों ने सुनने को मिलेगा, अगर आप कर रहे होंगे तो सुनने को मिला भी होगा। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। ये राइट हैंड साइड पे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन, यानी पार्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमें राइट हैंड साइड में लिखे होते हैं, या कभी कभार साइड में भी थोड़ा नीचे दिया होता है। बहुत सारे ड्राइंग में हमारे लेफ्ट में भी दिया होता है, कहीं भी आपको उस पार्ट से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, उससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो चीज़ें दी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ नोट कर रखा है कि हमारा जो होना चाहिए वो, इसका मतलब ये होता है सिंबल का क्या है, कि मशीनिंग मेथड क्या होगा, या फिर उसका जो रफनेस हमारा ग्रेड क्या होगा उसके बारे में। सेकंड ये दिया है आर डायमेंशन इन MM। आर डायमेंशन इन MM का मतलब ये है कि हमने कहीं भी जो डायमेंशन है वो MM में लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ लिख दिया है कि MM में है, तो यानी कि हम उसको जो ड्राइंग पढ़ने वाला है वो उसको MM में ही समझ पाए कि MM में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है पार्ट सेल बी नीट एंड क्लीन। पार्ट सेल बी नीट एंड क्लीन का मतलब ये है कि जो कस्टमर है उसको पार्ट को पूरी तरीके से साफ और सुथरा चाहिए। नेक्स्ट है डेंट नॉट अलाउड एनी सरफेस एरिया, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि जो कस्टमर है वो कह रहा है कि जो भी मशीनिंग सरफेस एरिया है वहाँ पे कोई किसी भी तरीके का जो डेंट है वो अलाउड नहीं है। उसी तरीके से ऑन द पार्टिंग लाइन, यानी इस तरीके से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिया होगा कि उनके मैक्सिमम टॉलरेंस क्या है, या फिर उनके क्या क्या रिक्वायर्ड है वो उस पर दिया होता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट। ये मान लीजिए ड्राइंग है, और ये ड्राइंग मैंने ये जो सीन बना रखे हैं, फिगर ड्रॉ कर रखे हैं, वो एल प्लेट को ले लिया है, जो जनरली हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं एल प्लेट का, उसी को लिया, ताकि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ पाएं। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये ड्राइंग, ये जो
फिगर है, ये जो है आइसोमेट्रिक व्यू है। आइसोमेट्रिक व्यू का मतलब ये होता है कि जनरली आपने ड्राइंग में देखा होगा कि एक एक हमारा जो व्यू होता है वो पूरा कम्प्लीटली पार्ट कैसे दिखता है, यानी 3D में बना होता है, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी होती है, ताकि हम ड्राइंग पढ़ के एक हम एज्यूम कर सकें, समझ सकें कि जो हमारा पार्ट है वो देखने में कैसे लगता है। आइसोमेट्रिक व्यू है उसको हम 30 एंगल, मान लीजिए कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 एंगल पे हम उसको झुका कर बनाते हैं, ताकि जो 3D है, 3D पॉइंट्स है, डायमेंशंस है, उसको हम अच्छी तरीके से देख सकें। अब यहाँ पे हमने जैसे ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू क्या होता है, यानी कि टॉप से हम देख रहे हैं, तो टॉप से देखने पर जो हमारा प्रोजेक्शन बनेगा वो कैसा होगा। प्रोजेक्शन से रिलेटेड हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखा है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप उस वीडियो को जरूर जा करके देखिए। तो प्रोजेक्शन जो बनेगा ये टॉप व्यू का, वो यानी कि यहाँ से हम जो देख रहे हैं, यहाँ से देखने के बाद जो बनेगा वो इस टाइप का प्रोजेक्शन बनेगा टॉप व्यू का। फ्रंट व्यू का जो प्रोजेक्शन बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, यानी कि यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से जो देख रहे हैं, तो ये प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू का यह प्रोजेक्शन बनेगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं साइड, मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं तो प्रोजेक्शन कैसे बनेगा साइड व्यू का। तो साइड व्यू से देखने पर क्या होगा, सिर्फ ये एरिया हमें दिखेगा, ठीक है। उसी तरीके से फ्रंट व्यू का अगर हम प्रोजेक्शन देखते हैं, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये एरिया जो होगा, ये एरिया आपको नहीं दिखेगा, आपको ये दिखेगा और ये वाला एरिया आपको दिखेगा। उसी तरीके से ये बनाया गया है, और पिछले वीडियो में आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। उसी तरीके से ये मान लीजिए मैंने कंप्लीट बना दिया है, जिस पर डेटम, ये क्या है, एक डेटम है। डेटम का मतलब ये होता है वो रेफरेंस प्लेन या फिर वो रेफरेंस लाइन जहाँ से बहुत सारे डायमेंशंस को शो किया होता है, जहाँ से कंट्रोल होता है, यानी कि जहाँ से जिस प्लेन को हम सीधा करके वहीं से हम चीज़ें मेजर करते हैं, वो हमारा क्या होता है, डेटम लाइन हो जाता है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है ये पोजीशन, तो इस होल का जो पोजीशन है वो डेटम ए से 0.1 में मेंटेन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अगर लाइन है जिसको आप देख पा रहे होंगे डेटम, ये अब डेटम का ये सिंबल है, और इस लाइन से हम इसका पोजीशन क्या करेंगे, ये तो ये क्या है, इसका डायमेंशन है, यानी 40 mm ऊपर और 40 mm राइट साइड में, 30 mm इधर आपका पोजीशन होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से इसी का पोजीशन बी से क्या होना चाहिए, बी डेटम, इस लाइन को भी एक हमने डेटम मान लिया, ये क्या हो गया, बी डेटम हो गया। तो ये जो मान लीजिए कोई हम होल बना रहे हैं, तो इसका जो पोजीशन हम मेंटेन करेंगे ए से, यानी कि इस डेटम से 0.1 होना चाहिए और इस डेटम से 0.1 होना चाहिए। इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि यानी कि इस डेटम से कितने कितने डायमेंशंस हैं, ये डायमेंशंस क्या है, ये 40, यानी कि ये जो स्लॉट बन रहा है वो 60 mm इधर है और ये 40 mm ये इधर है, ये स्लॉट की है जो हाइट है इस प्लेन से इधर है। तो बहुत सारी चीज़ें डायमेंशंस इसमें शो की होती हैं, ये तो बहुत शॉर्ट है, इसमें बहुत कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप अगर यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ देख पा रहे होंगे रेडियस, तो रेडियस का जो सिंबल होता है आर होता है, कितने का रेडियस हम बना रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है, यानी कि आर 5.0, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 5 का जो है वो रेडियस है, ठीक है। बाकी ये देख लीजिए, जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ से है, तो यहाँ से हाइट कितनी है, यहाँ से ये जो डायमेंशन है वो कितनी है, 90 mm है, तो वो यहाँ पे शो कर रखा है। तो इस तरीके से हमें ड्राइंग को आना चाहिए। बाकी क्या है, सिंबल GDNT का और बहुत सारे फीचर्स होते हैं, इसे हम बोलते हैं फीचर फ्रेम। फीचर फ्रेम में अब हमारा परपेंडिकुलरिटी दिया होता है, एंगुलरिटी दिया होता है, कंसेंट्रिसिटी दिया होता है, सिलेंड्रिसिटी दिया होता है या सिमेट्रिसिटी होता है, बहुत सारे
ड्राइंग में या फिर हमारे ड्राइंग में दिया होता है, वो चीज़ हम अच्छी तरीके से अपने वीडियो में कवर कर चुका हूँ। आप जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखें। मिलते हैं आप लोगों से, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। बहुत सारे टॉपिक के बहुत सारे पॉइंट्स छूट रहे हैं, इस वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वजह से हम एक अपना थर्ड पार्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें हम इंजन ड्राइंग को पूरी कंप्लीट तरीके से फिनिश कर लेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा कि आप कैसे इंजन ड्राइंग को देख करके या सेवन रिपोर्ट देख करके आप कैसे मशीन में करेक्शन कैसे करते हो, इसके बारे में अच्छी तरीके से हम बताए हैं। आप उस वीडियो को भी अच्छी तरीके से देखिए, पूरा देखिए, आपको मैं उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे और आप इंडस्ट्री में उसका ड्राइंग को अच्छी तरीके से रीड कर पाएंगे। तो आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए।